और आज के इस एपिसोड में मैं बना रही हूँ स्टफ मशरूम बॉम्ब विद स्पिनच एंड चीज फिलिंग। मशरूम एक ऐसा बाइट साइज एपेटाइजर है जो बिल्कुल परफेक्ट है आपकी पार्टीज, गेट टुगेदर एंड इवनिंग टी टाइम के लिए। तो चलिए बनाते हैं स्टफ मशरूम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मशरूम बनाने के लिए जो आपको इंग्रेडिएंट चाहिए एक बार आप उसे नोट कर लीजिए। सबसे पहले मशरूम को वॉश करके उन्हें अच्छे से साफ कर लेंगे और उन्हें ड्राई क्लोथ से सुखा देंगे। अब बहुत ही आराम से मशरूम के स्टेम निकालेंगे क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसलिए बहुत आराम से निकालेंगे। और मशरूम को अंदर से भी क्लीन कर लेंगे। अब मशरूम की कैप को साइड में रख देंगे और मशरूम के स्टेम को भी चॉप करके रख देंगे। अब एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसे गरम करेंगे और इसमें डालेंगे हम चॉप लहसुन और प्याज और इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। इसके साथ ही हम डाल देंगे मशरूम स्टेम जो हमने चॉप करके रखी हुई है और अब इसके साथ ही डाल देंगे बॉइल्ड कॉर्न और इसे भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे। इसके साथ ही हम डाल देंगे नमक, रेड चिली, पार्सले और इन्हें अच्छे से मिक्स करके इन्हें सॉटे करेंगे। और अब इसके साथ ही इसमें डाल देंगे हम चॉप स्पिनच जिसे मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश करके चॉप करके रखा हुआ था। इन्हें भी मिक्स करके सॉटे कर लेंगे और एक से दो मिनट के लिए इन्हें लो फ्लेम पर ढककर रख देते हैं कुक होने के लिए। तो अब इसे स्टर करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। फिलिंग को कर देते हैं हम साइड ठंडा होने के लिए। स्पिनच एंड मशरूम दोनों ही वाटरी बेस्ड वेजिटेबल हैं, तो अगर आपको लगता है कुक करने के बाद इसमें थोड़ा सा वाटर रह गया है तो उसे आप स्क्वीज कर लीजिए। जब तक हमारी फिलिंग ठंडी हो रही है हम चीज को ग्रेट कर लेते हैं। अब हमारी फिलिंग भी ठंडी हुई है, चीज भी तैयार है, इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब मशरूम कैप में हम अपनी फिलिंग को भरते हैं। इस पॉइंट पर आप मशरूम को बेक भी कर सकते हैं 180 डिग्री पर 15 टू 20 मिनट्स के लिए, लेकिन मैं इसे फ्राई कर रही हूँ तो मैं इसकी कोटिंग करूंगी। एक बाउल में लेंगे हम मैदा और उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे जब तक कि थिक कंसिस्टेंसी हो जाए। तो अब हम अपने मशरूम को कोट करेंगे। पहले डालेंगे मैदे के कोल में, उसके बाद उसे डालेंगे ब्रेड क्रम्स में और उसके बाद एक बार फिर से इसे अगेन कोटिंग करेंगे हम मैदे से और उसके बाद फिर से ब्रेड क्रम्स में। अब ये बिल्कुल तैयार है फ्राई होने के लिए। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। कभी भी ऑयल को आप ओवरलोडेड नहीं करिए, नहीं तो ऑयल का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। इसे फ्राई करेंगे हम दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक। स्टफ मशरूम बॉम्ब हमारे बिल्कुल तैयार है। इन्हें आप सर्व करिए अपनी पसंद की चटनी के साथ या सॉस के साथ। ओ यम, चीज, यम। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching.